नमस्कार प्यारे दर्शकों, मित्रों, मैं आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से कामना है कि आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। इसी शुभ प्रार्थना को करते हुए आप सभी को आइए लेकर चलते हैं सपनों के उस रहस्यमय लोक में, जहाँ पर हम सभी अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। स्वप्न कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल होते हैं। दर्शकों, आइए हम जानते हैं स्वप्न ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है सपने में बुक, पुस्तक, किताबें देखने का अर्थ। जी हाँ दर्शकों, अगर आपने भी सपने में देखा है तो ये सपना अच्छा और भविष्य में शुभ फल प्राप्ति की ओर संकेत करता है। जैसे कि आप किसी कार्य में लगे हैं तो उसमें आपको भविष्य में प्रगति अवश्य ही मिलेगी, शुभ और मंगल होगा। इसके साथ साथ खरीदते हुए देखा है तो दर्शकों, आपके लिए ये सपना कोई कठिनाई खत्म होने की ओर संकेत करता है। आप कहीं दूर यात्रा पे भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, अगर आपने सपने में देखा है पुस्तक आपको अपने आप मिली है, कहीं आप कोई आपको दे रहा है, तो दोस्तों मान सम्मान में हर कोई ऊंचाई ही चाहता है, तो आपको भविष्य में मान सम्मान भी मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपने सपने में पुस्तक बहुत सारी देखी है, पुस्तकालय देखा है, तो दोस्तों ये सपना आपके लिए समृद्धि की ओर आपको सचेत करता है कि आप जिस कार्य में लगे हैं उसमें आपको समृद्धि, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ अगर खो गई है पुस्तक तो दोस्तों ये सपना आपको कठिनाई में होने की ओर संकेत देता है। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपने देखा है पढ़ते हुए स्वयं को या अन्य को, तो दोस्तों ये सपना आपके कार्य में आपको सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। तो इसके शुभ शुभ फल हमने आप तक पहुंचाया। आगे भी इसी तरह की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप हमारे साथ आगे का वीडियो देखना चाहते हैं स्वप्न का फल, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बेल प्रेस करिए। फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार, धन्यवाद।